हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम, जिसका नाम है रहीम के दोहे। तो फ्रेंड्स, चलिए इन दोहों का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। चटकाए यानी कि झटके से। ओके, तो इन लाइंस में जो रहीम जी है वो कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है, जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है, उसे कभी भी बिना किसी मजबूत कारण के नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश में धागे में गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार किसी से रिश्ता जब एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिलई है लोग सभे बाटी ना लाहे कोई। तो यहाँ पर निज का मतलब होता है अपने, बिथा का मतलब दर्द, अठिलई है मतलब मजाक उड़ाना, बाटी यानी कि बांटना और कोई यानी कि कोई। तो रहीम जी यहाँ पर कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरे से छुपाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका दर्द किसी दूसरे को पता चलता है तो वो लोग आपका मजाक ही उड़ाते हैं। कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता, यानी कि कोई भी व्यक्ति आपके दर्द को कम नहीं कर सकता। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मुलही सींचबो फुलय फलय अधाय। मुलही यानी कि जड़ में, सींचबो यानी कि सिंचाई करना। तो रहीम जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक ही काम करना चाहिए, क्योंकि एक काम के पूरा होने से कई और काम अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आता, क्योंकि आप एक साथ बहुत कामों में अपना 100% नहीं दे सकते, अपना बेस्ट नहीं दे सकते। रहीम जी कहते हैं कि यह वैसे ही है जैसे किसी पौधे में फूल या फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उसे तृप्त कर देने जितना पानी डाला जाता है, यानी कि जितना पानी उस पौधे को चाहिए उतना ही पानी डाला जाता है, यानी कि जब पौधे में पर्याप्त पानी डाला जाएगा तभी पौधे में फल और फूल आएंगे। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश। तो अवध का मतलब होता है रहने लायक ना होना, और विपदा का मतलब होता है विपत्ति, दुख। तो इन लाइंस में रहीम जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था तो वो चित्रकूट में रहने गए थे। रहीम जी यह भी कहते हैं कि जो चित्रकूट है वो बहुत ही घना और अंधेरा जंगल है, तो इस कारण वो रहने लायक जगह नहीं थी। परंतु रहीम जी कहते हैं कि ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति यानी कि दुख आती है। कहने का मतलब यह है कि विपत्ति में यानी कि दुख में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेता है, मुश्किल से मुश्किल काम कर लेता है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, ज्यो रहीम नट कुंडली सिमती कुदी चरी जाही। तो अर्थ यानी कि अर्थ, आखर यानी कि अक्षर शब्द, थोड़े यानी कि थोड़ा कम। तो इन लाइंस में रहीम जी कहना चाहते हैं कि उनके दोहे में भले ही कम अक्षर या शब्द हैं, परंतु उनके अर्थ बहुत ही गहरे और बहुत कुछ कह देने लायक है, यानी कि बहुत कुछ कह देने में समर्थ हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि कोई नट, यानी कि जो नाटक वगैरह दिखाते हैं उन्हें नट कहते हैं, वो अपने कर्तव्य के दौरान अपने बड़े शरीर को सिमटा कर कुंडली मार लेने के बाद बहुत ही छोटा लगने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी के आकार को देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, यानी कि किसी के आकार को देखकर उसकी क्षमता का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि वो ये नहीं कर सकता, ये कर सकता है। धनी रहीम जल पंक को लघु जिया पियत अघाय, उदधि बराई कौन है जगत पियासो जाय। धनी यानी कि धन्य,
पंख यानी कि कीचड़, लघु यानी कि छोटा, उदधि यानी कि सागर और प्यासो यानी कि प्यासा। तो रहीम जी इन लाइंस में कहते हैं कि कीचड़ में पाए जाने वाला वह थोड़ा सा पानी भी धन्य है, क्योंकि उस पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है, लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में है, यानी कि जो सागर का समुद्र का पानी है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन वो बेकार होता है, क्योंकि उस जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। तो कहने का मतलब यह है कि बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि आप किसी की सहायता ना कर सको। नाद रीझि तन देत मृग, नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझेहु कछु न देत। तो नाद का मतलब होता है संगीत की ध्वनि, रीझि का मतलब होता है खुश होकर। तो रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण किसी के संगीत की ध्वनि से खुश होकर अपना शरीर न्योछावर कर देता है, अर्थात अपने शरीर को उसे सौंप देता है, इसी तरह से कुछ लोग दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना धन इत्यादि सब कुछ उन्हें दे देते हैं। लेकिन रहीम जी कहते हैं कि कुछ लोग पशु यानी कि जानवर से भी बदतर होते हैं, जो दूसरों से बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में उन्हें कुछ भी नहीं देते। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई आपको कुछ दे रहा हो तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप उसे बदले में कुछ ना कुछ दे। बिगड़ी बात बने नाही लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मठे न माखन होय। तो यहाँ पर बिगड़ी का मतलब जो बात बिगड़ गई हो, फाटे दूध यानी कि फटा हुआ दूध, और मठे यानी कि मठना। तो रहीम जी कहते हैं कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह वैसे ही है जैसे जब दूध एक बार फट जाए तो फिर उसको मठने से मक्खन नहीं निकलता। कहने का मतलब यह है कि हमें किसी भी बात को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो उसे सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रहीमन देखी बरैन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। तो रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़ी चीज़ को देखकर किसी छोटी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात बड़ी चीज़ के होने पर किसी छोटी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पर बड़ी चीज़ बेकार हो जाती है। रहीम जी हमें एक एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि जैसे जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का अपनी अपनी जगह पर महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है। रहीमन निज संपत्ति बिन कौन अभिपति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। निज यानी कि अपना, विपत्ति यानी कि विपत्ति दुख, सहाय यानी कि सहायता, जलज यानी कि कमल, और रवि यानी कि सूर्य सूरज। ओके, तो इन लाइन्स में जो रहीम जी है वो कहते हैं कि जब आपके पास धन नहीं होता है तो कोई भी आपके दुख में आपकी सहायता नहीं करता। यह वैसे ही है जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूरज जैसा प्रतापी भी नहीं बचा पाता है। कहने का मतलब यह है कि आपका धन ही आपको आपकी मुसीबतों से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो इस दोहे में रहीम जी ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है, यानी कि यहाँ पर रहीम जी जो है वो पानी को 3 मीनिंग्स के साथ हमें समझाना चाहते हैं। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के लिए लिया गया है, जिसका मतलब है विनम्रता यानी कि हम्बलनेस। तो रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए, यानी कि हम्बलनेस होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं, यानी चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। और पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे चून के साथ जोड़कर यानी कि आटे से जोड़कर दर्शाया गया है, बताया गया है। तो रहीम जी कहना चाहते हैं कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, यानी कि जब तक हम आटे में पानी नहीं मिलाते वो एकदम चिकना और मुलायम नहीं होता है,
और मोती का मूल्य उसकी चमक के बिना नहीं हो सकता, यानी कि जो मोती है वो अगर उसमें चमक नहीं होगी तो कोई भी उसको वैल्यू नहीं देगा। उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी कि विनम्रता रखना चाहिए, विनम्रता यानी कि हम्बलनेस रखना चाहिए, जिसके बिना उसका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है। यानी कि अगर एक मनुष्य के अंदर हम्बलनेस नहीं होगा तो उसका जीवन जीना जो है वो एकदम बेकार हो जाता है। तो ये थे रहीम के दोहे का एक्सप्लेनेशन।